गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शशांकर शर्मा, आपका होस्ट। और मैं आज जा रहा हूं घर। घर क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं घर से आया था गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में मेरा कुछ काम था, पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली काम था, वो हो चुका है। और उसका आने वाला वीडियो तो नहीं बना है, तो पर अभी जाने वाला वीडियो जरूर बनाऊंगा और वही वीडियो आप अभी देखेंगे। सभी लगे आपको, लाइक करिएगा प्लीज़, या लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। जो भी नए मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो जैसा भी है, शुरुआत करता हूँ, चाय पी लेता हूँ पहले, और उसके बाद मैं अपनी राइड स्टार्ट करूँगा। हालांकि कैमरे से ही बनाऊंगा, अपने मोबाइल कैमरे से ही वीडियो शूट करूंगा, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मेरा रूम है, ये रहा मेरा बाथरूम, यहाँ से मैं आज चेकआउट कर रहा हूँ। ये चाय पी के उसके बाद निकलूंगा। चलो चला जाए। ORS पी रहा हूँ, थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा था, अभी रुका हूँ। ये जोराबाद है, तो वहीं बैठ के ORS पी रहा हूँ खड़े होके। सुबह नाश्ता नहीं कर पाया था, चाय बस पिया। एक बार एक स्ट्रिंग भी पिया, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हल्का सा सर दर्द और थोड़ा चक्कर मार रहा था, उस कारण सभी ORS पी रहा हूँ। शायद ठीक हो जाए तो बाइक चलाने में थोड़ा सा मज़ा आए। आप बने रहिए, मैं पी रहा हूँ, आगे चलूँगा, जहाँ रुकूँगा फिर से बनाऊँगा वीडियो। चलते हुए बाइक में वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो जहाँ रुकूँगा वही वीडियो बनाऊँगा। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा शॉट लेने के लिए, अच्छे अच्छे देखते हैं। ये जोराबाट है, ये देखिए, ये पूरे एक लाइन से अनानास बिक रहे हैं पूरे डिवाइडर में। यहाँ अनानास सस्ता मिल जाता है। इधर आपका पड़ेगा असम, उधर आपका पड़ेगा मेघालय। तो जो पहाड़ दिख रहा आपको, ये मेघालय का है, और ये दुकानें हैं ये असम का है। एक बॉर्डर ही है, स्टेट बॉर्डर। तो ऐसा है ये जोराबाद, तो इसको इसलिए बोलते हैं जोराबाद, मतलब दो रास्तों को जोड़ता है, उसके नाम पे पड़ गया जोराबाद। तो फिलहाल मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर चलता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो पे, क्लिप पे, सॉरी। तो ये बाइक रोक के मैं पहला टोल प्लाजा पे रुका हूँ। ये पहला टोल प्लाजा है नाजीरा घाट का, और यहीं पर पहली बार मैं रुका हूँ अभी। तो यहीं पर मैं रुक के आपको बताना चाहता हूँ कि पहला टोल प्लाजा है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला टोल प्लाजा मैं रुकूंगा और बताऊंगा आपको। और अभी तक मेरे किलोमीटर हिसाब से देखा जाए तो 20 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, अराउंड आपका आधे घंटे से ऊपर हो गया। तो चलते हैं, सेकेंड वाला टोल प्लाजा थोड़ा सा दूर है, टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी चलता हूँ और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और लाइक करते रहिए। का पहला सुसु ब्रेक, जी हाँ, तो रुकना पड़ेगा ही, क्योंकि बाइक में जा रहे हैं, अगर पानी पी रहे हैं तो निकालना तो पड़ेगा ही दोस्त। एक और ORS रखा, उसको भी पी लेता हूँ। अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है, तो देखिए अपेक्षा भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह तो कुछ ज़्यादा ही चक्कर टाइप लग रहा था पूरा, तो अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। गाड़ियों के शोर होंगे कुछ ज़्यादा ही, और मेरा ऑडियो क्वालिटी वीडियो में बहुत बेकार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अपलोड करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोशिश करूँगा एक ब्लूटूथ लेने की जो ऑडियो क्वालिटी अच्छा करे। तो फिलहाल जैसा भी है, ये दूसरा ORS पी लेता हूँ और फिर चलूँगा। वीडियो देखते रहिए आप, जहाँ जहाँ रुकूँगा वहाँ वहाँ वीडियो बनाते रहूँगा, और यही करते करते घर तक जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ घर तक चलिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मेरे लिए थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी हो जाएगा, पर आपके लिए, वीडियो देखने वाले के लिए कोई लॉन्ग जर्नी नहीं, तो एक सेकंड के बाद दूसरा वीडियो चालू हो जाता है, दूसरा क्लिप चालू हो जाता है। तो आप लोग के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना है, पर आपको मेहनत करना है सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करिए करिए करिए, जो मन में आए वो करिए। उसी के बारे में लिख दीजिएगा कुछ बिंदास। तो फिलहाल इसको मैं पी लेता हूँ, ज़्यादा बकवास ना करते हुए इसको पी लेता हूँ और मिलता हूँ फिर
नेक्स्ट क्लिप में। फिलहाल मैं अभी गेट के पास हूँ, ये सेकंड टोल गेट है और अच्छा है, बाइक चला के अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अकेले हूँ पर अच्छा लग रहा है। गुवाहाटी से निकलने के बाद मैं सोचा शायद वीडियो बनाऊँ, घाट वाला वीडियो बनाऊँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही थी और सुबह का जो प्रेशर था माइंड पे हल्का हल्का था, उस वजह से मैं मोबाइल नहीं निकाला। हालाँकि किसी और दिन दिखाऊँगा वो घाट, बड़ा अच्छा घाट है, पर क्या है उस घाट में क्या गुवाहाटी से पास नहीं है सिटी से, उस कारण घाट में खुद ज़्यादा रस रहती है, गाड़ी मोटर बस सब चलती है, तो उस कारण से थोड़ा दिक्कत भी है, एक हैंड से गाइड चलाना और एक हैंड से आपका मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करना, दोनों थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसलिए नहीं बना। बहरहाल कुछ बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा बनाया हूँ, क्लिप आपने देखा ही होगा, तो बस यही है। तो अभी तो मैं फिलहाल चलता हूँ, चाय वाय पी लूँ, उसके बाद मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद, तब तक वीडियो देखते रहिए और बताइए ना क्या करना है। लाइक हालत देख रहे हैं मेरी, आँखें बिल्कुल लाल हो गई, चलो कोई बात नहीं, तो अभी रखता हूँ। कंटिन्यू एक घंटा 45 मिनट तक बाइक चलाया हूँ और जहाँ लास्ट में रुका था रोहा गेट के पास टोल गेट, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र 1 घंटा 45 मिनट या 15 मिनट समथिंग है। कंटिन्यू चलाया हूँ, थक गया। ये होटल आप देख ही रहे हैं, पहचानते होंगे, अगले वीडियो में पिछले वीडियो में भी था और अभी भी है, आज भी है। कुछ अच्छा लगता है यहाँ खाना, तो इसलिए मैं रुक गया यहाँ, तो वैसे टाइम भी हो गया है खाना खाने का, तो खाना भी खा लूँगा और पहचान वाला होटल है थोड़ा सा, तो अच्छा है। तो यहाँ से अभी लगभग कितना होगा, लगभग 130 किलोमीटर समथिंग होगा और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे, मतलब रास्ता ख़राब है, बीच में पड़ेगा काजीरंगा फॉरेस्ट, तो वहाँ थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा और ब्रेकर खूब सारे हैं वहाँ, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, मैं पिछली बार तो पूरी बाइक उचक उचक के ख़राब हो गई। चलो ठीक है, जैसा भी है पहुँच जाएँगे, ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक पहुँच जाएँगे यहाँ, थोड़ा समय आराम करूँगा, 40 या 30 मिनट के लगभग समथिंग आराम करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूंगा। अभी तक का सफ़र बहुत मज़ेदार है, अकेले सफ़र कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बाइक राइडिंग पहली बार अकेले में, 310 के समथिंग होगा, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है, तो अभी मैं खाना खा लूँ, उसके बाद फिर यहाँ से राइड की ओर चलेंगे, और खाने में अगर क्या होगा मैं दिखा दूँगा, अगर कुछ अच्छा लगे तो दिखा दूँगा, तो बाकी मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। खाना पीना खा लिया हूँ और खाना पीना खा के निकल चुका मैं, लगभग आधा घंटा चलाया हूँ बाइक, अभी फिर रुक गया, थोड़ा सा पैर में तकलीफ था तो इसलिए रुक गया, ये 120 किलोमीटर समथिंग और होगा, 20 या 30, तो लगभग 2 या 3 घंटे लगेंगे मेरे को पहुँचने में, क्योंकि अभी है पूरा काजीरंगा पूरा फॉरेस्ट है, तो उसमें धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, उसमें रूल एंड रेगुलेशन सब दुनिया भर के हैं, 40 के ऊपर अगर तुम भगाए तो तुम्हारे ऊपर फाइन पेनल्टी सब कुछ हो जाएगा, बाकी बढ़िया है, मस्त कट रही है और मज़ा आ रहा चलाने में, बाकी ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं, ओके वाचिंग।
फाइनली मैं अपने टाउन पे पहुंच गया हूं। यहां से अराउंड समथिंग 20 किलोमीटर होगा। मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूं क्योंकि उसके बाद रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। यहां से समथिंग पीछे आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर होगा समथिंग अराउंड। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो देखकर, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया वीडियो बनाकर और राइड करके। 310 समथिंग अराउंड 310 ही होगा। तो गुवाहाटी से तो ये मेरा राइड था आज का, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाए। पीछे आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा चाय का बगान है। तो यहीं पर मैं एंड करता हूँ वीडियो को। तो तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।